आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट ब्राउन लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैनवास पर ऑयल पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग, इसको बनाना सीखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कहां पर कौन सा कलर किस तरह से लगाया है। तो वीडियो को पूरे को सावधानी से देखें, एक एक जगह का हमने यहां पर बताया है कि कहां पर कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं कोई चीज चूक ना जाए, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इसमें इस पेंटिंग में पूरा जो प्रभाव आ रहा है वो लाइट एंड शेड का है, इसी से इस पेंटिंग में जान आ गई है। दूसरी चीज, बॉडी पर जो कलर है, बॉडी के जो कलर हैं, वस्त्रों का जो कलर है, उन पर आसपास की वस्तुओं का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उससे वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी जान पड़ी हैं। अब ये किस तरह से जो है आसपास की वस्तुओं का रिफ्लेक्शन कैसे इफ़ेक्ट करता है दूसरी चीज़ों को, वो चीज़ थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले बता दूँ, बॉडी कलर में जैसा कि हम यूज़ करते हैं क्रोम ग्रीन, कैडमियम, सैप ग्रीन, फ्लैक वाइट, इन्हीं से पूरा जो है बॉडी कलर बन जाता है। लेकिन जैसे डार्क जगह, जैसे आँखें हैं, आईब्रो हैं और सिर के बाल हैं, इनके लिए हम सैप ग्रीन है, और इससे बहुत ज़्यादा अगर डार्क है तो हम क्रिम्सन और स्कारलेट, इनको सैप ग्रीन में मिला करके ले सकते हैं डार्कनेस देने के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा डार्क है, जैसे आँखों का या बालों में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन है, उसमें हम क्रिम्सन लेक और पर्सन ब्लू मिला सकते हैं, तो बिल्कुल एकदम ब्लैक का इफ़ेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमने कहीं भी ब्लैक कलर यूज नहीं किया है, लेकिन इफ़ेक्ट वही ब्लैक का आ जाता है। अब देखिए, बॉडी में इस चेहरे पर ललाट पर जो हम कर रहे हैं, इसमें फ्लैक वाइट के साथ साथ क्रोम ग्रीन और कैडमियम रेड यूज हो रहा है, और इनका जो रेशियो है वो ज़रूरत के अनुसार बदल जाता है। साइड में, गाल के साइड में या चेहरे पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पर येलो ओढ़नी जो है इसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हम क्रोम ग्रीन जो है ज़्यादा यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, वहाँ पर सैप ग्रीन थोड़ा थोड़ा यूज किया है। लिप्स में जो है कैडमियम और सैप ग्रीन यूज हुआ है, नीचे वाले लिप्स पर सैप ग्रीन को नहीं करके और क्रोम ग्रीन जो है यूज हो रहा है। इधर नाक पर या जो लाइट शेड है, जहाँ चेहरे पर कहीं कहीं लाइट दिखा रहे हैं, वहाँ पर सैप ग्रीन तो नहीं है, लेकिन क्रोम ग्रीन थोड़ा सा यूज हो रहा है, और कैडमियम और क्रोम ग्रीन और फ्लैक वाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कैडमियम और सैप ग्रीन है, बहुत मामूली सा इसमें स्कारलेट लेक लिया है, बहुत मामूली सा है, और इस तरह से हम बालों को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस ओढ़नी में इधर दूसरी जो महिला है उसकी ओढ़नी रेड है, तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पर अभी जो कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रोम येलो और लेमन येलो का ही कॉम्बिनेशन है, बस इन दो ही कलर को हमने यूज़ किया है लास्ट में, और इसमें थोड़ा सा वाइट मिला कर कर रहे हैं। ये देखें, इस जगह पर पास में रेड ओढ़नी का जो है, इसमें ये जो येलो ओढ़नी है, लेकिन इसमें भी हम जो है कैडमियम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पास वाले का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, इसलिए। तो इसमें क्रोम ग्रे, क्रोम येलो के साथ साथ, क्रोम येलो के साथ साथ थोड़ा सा कैडमियम रेड, और जहाँ ज़्यादा डीप है वहाँ पर हम थोड़ा सा सैप ग्रीन, बाकी तो क्रोम ग्रीन और क्रोम ग्रीन और कैडमियम रेड, इसके साथ में जो है हम क्रोम येलो के साथ में ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो लाइट है, लाइट जगह पर हम सिर्फ क्रोम येलो और हल्का सा मामूली सा क्रोम ग्रीन साथ में कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इस जगह पर थोड़ा सा
यहाँ यहाँ उभार दे सकते हैं इस तरह से, देखिए क्रोम क्रोम येलो है ये वाला, क्रोम येलो और क्रोम ग्रीन, बहुत मामूली सा क्रोम ग्रीन है। इसके इस पर बाद में हम जो है ऊपर से लेमन के टच से इस जगह पर लाइट दिखा देंगे। ये देखें, ये ज़्यादा डीप वाली जो जगह है इसमें कैडमियम और सैप ग्रीन थोड़ा थोड़ा सा यूज है, और उभार वाली जगह पर थोड़ा सा येलो के साथ बहुत मामूली सा ऑरेंज कलर हम ले रहे हैं, बहुत मामूली सा ऑरेंज है। और इस तरह से हम रिंकल्स को देखिए दिखाने के लिए उभरी हुई जगह पर वही हम क्रोम येलो और बहुत मामूली सा क्रोम ग्रीन, बहुत ही मामूली सा क्रोम ग्रीन इसका कॉम्बिनेशन है, और इस तरह से हम ये रिंकल दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिंकल्स दिखा सकते हैं। और यहाँ पर डीप वाली जगह पे आपने देखा ही, और भी उभरी हुई जगह पर बहुत मामूली सा ऑरेंज है, ऑरेंज और क्रोम येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर वही क्रोम येलो है ये वाला, क्रोम येलो है ये क्रोम येलो से इस तरह से उभार देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम आ जाते हैं रेड वाली ओढ़नी पर, जिसमें ये देखिए सिर्फ और सिर्फ कैडमियम यूज हो रहा है, ये प्योर कैडमियम है। और यहाँ पर कहीं का ये जो डार्क वाली जगह इसमें रोज मेडर कलर है, और इसका कॉम्बिनेशन हल्का सा डार्क शेड जो है इसकी टोन दिखाने के लिए हमने रोज मैटर यूज किया है। और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं ये देखिए सिर्फ कैडमियम में वाइट मिला करके उभार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है ये लहंगा जो है इनका जो नीचे वाला जो वस्त्र है इस पर अल्ट्रा मैरिन ब्लू है, अल्ट्रा मैरिन ब्लू में वाइट मिला करके डार्क के लिए इसमें जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पर बहुत मामूली सा हम क्रिम्सन, जहाँ ज़्यादा डीप और डार्क दिखाना है बहुत मामूली सा स्कारलेट ले सकते हैं। और यहाँ ये जो दूसरा वाला लहंगा है इसमें हम वही अल्ट्रा मैरिन ब्लू के साथ में वाइट लाइट वाली जगह में वाइट ले रहे हैं, और डार्क वाली जगह में हम वही स्कारलेट लेक का कॉम्बिनेशन है, जहाँ बहुत ज़्यादा बहुत डीप दिखाना है। दूसरे वाले में जो है वाइट की टोन ज़्यादा रही है, इस वाले में हम वाइट कम ले रहे हैं, डार्क ये उससे थोड़ा सा डार्क है, इसलिए स्कारलेट लेक और अल्ट्रा मैरिन ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पर थोड़ा सा वाइट लिया। अब यहाँ देखिए हम रेड वाली ओढ़नी के जो रेड वाली ओढ़नी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कैडमियम उसमें वाइट मिलाया हुआ है, वाइट मिला करके जो हाई लाइट है जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर इस तरह से हम लगा सकते हैं पैचेज। ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ लाइट आ रही है तो वहाँ पर कैडमियम में वाइट मिला करके इस तरह से लाइट लगा सकते हैं। अब रेड वाली ओढ़नी में कहीं कहीं बहुत डीप जो रिंकल दिखाई है वहाँ पर हमने क्रिम्सन लेक से वो चीज़ें दिखाई जो बहुत डीप है रेड ओढ़नी में, उस जगह पर एकदम से क्रिम्सन लेक से वो डीप दिखाया गया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसका जो कंगन जो है, कंगन में आप देख रहे हैं ये जो कंगन का जो कलर है वो है मैव कलर, मैव होता है एक चमकीला गुलाबी रंग है, मैव कलर है, तो इसमें हम हल्का सा कैडमियम भी कहीं कहीं यूज किया है। और इसके जो हम डायमंड जो है ये बना रहे हैं इसमें सिर्फ कैडमियम बहुत मामूली सा कैडमियम और बहुत मामूली सा क्रोम है, और बाकी वाइट है, वाइट से उसको बनाया है। यहाँ पर जो इनका हार है या जो गले के जो आभूषण हैं उनमें हम काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्रोम ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, क्रोम ग्रीन ऑरेंज, और इसमें थोड़ा येलो भी है वाइट भी है, इसमें कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ डार्क के लिए हम कैडमियम भी यूज करेंगे। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल क्रोम ग्रीन और डीप येलो है, और डीप येलो मीन्स क्रोम येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है। अब हम आ जाते हैं इधर इनके जो कसीदाकारी है, जो एम्ब्रॉयडरी है वस्त्रों पर, वहाँ पर जो ओढ़नी में जो वस्त्र हैं जो कसीदाकारी है उनको हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करके बस वही पैचेज लगा दें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था
इसी तरह से जो कलर हैं उनके पैचेज लगा दें, और जहां अगर वो लाइट में है तो उस जगह पर उसको उसमें वाइट की टोन ज़्यादा रखें, तो अपने आप वो लगेगा कि ये लाइट में है, तो वो उनका इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम थोड़ा ग्रीन कर रहे हैं जिससे इसमें एकदम से गेटअप आ जाए। अभी क्या है वो ऑरेंज था, अब ये डार्क कर देने से जो है पेंटिंग में एकदम से गेटअप आ जाएगा, ये उभर के आ जाएंगे, एकदम निकल के आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल, और ये तैयार है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।